थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, आपको ट्राइंगल की थ्री साइड्स गिवन है और तीन साइड्स को यूज करके आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है. सो दिस वॉज गिवन बाय द मैथमेटिशियन हिरोन, जो इजिप्ट के एक मैथमेटिशियन थे. इन्होंने जितने भी आप कह सकते हो कि रेगुलर पॉलीगन्स थे, सर्कल्स थे, सरफेस ऑफ सिलेंडर्स वगैरह थे, इन सबके साथ इन्होंने डील किया. और लास्टली जो इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला दिया, दैट इज नोन एज हिरोन्स फॉर्मूला. जब आपको साइड्स ऑफ ट्राइंगल गिवन होती हैं, लेट अस सपोज कि मुझे साइड्स ए बी सी गिवन है, तो आपको जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप उसमें थिंग कैलकुलेट करते हो, दैट इज द सेमी पेरीमीटर, हाफ ऑफ द पेरीमीटर. पेरीमीटर का आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी. सिंस इट इज अ सेमी पेरीमीटर, सेमी मीन्स आप उसका हाफ लेके चल रहे हो, तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू. ये फॉर्मूला आपको एज इट इज लर्न करना पड़ेगा. देन वी आर टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट इज गिवन बाई अंडर द रूट एस इंटू एस माइनस ए, यानी कि सेमी पेरीमीटर इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस सेकेंड साइड इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड. सो हिरोन्स फॉर्मूला है ये आपका फॉर फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, दैट इज गिवन बाय एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर योर एस इज द सेमी पेरीमीटर, दैट इज हाफ ऑफ द पेरीमीटर. पेरीमीटर यू नो दैट इज द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, तो इफ दैट इज डिवाइडेड बाई टू तो यू गेट द सेमी पेरीमीटर. ऑन यही फॉर्मूला जो है आपका वो यूज होना है थ्रू आउट द चैप्टर. अब इसमें जो है आपका फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वाला जो टॉपिक है, दैट वन इज द डिलीटेड पार्ट. सो क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल वी विल नॉट डू. वैसे मैं आपको उसका मेथड बता दूंगी कि क्या है क्वाड्रिलेटरल. आपको पता है कि उसको आप टू ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हो. तो ये वाले फर्स्ट ट्राइंगल ले लोगे, ये सेकेंड ट्राइंगल ले लोगे, दोनों के एरियाज को ऐड करके यू विल गेट योर आंसर. बट क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो है आपका अब बोर्ड की तरफ से डिलीटेड है. सो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द क्वाड्रिलेटरल वी विल नॉट डू. सो फर्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे हम, एक्सरसाइज 12.1. अब यहाँ पे जो आप क्वेश्चंस करोगे उनमें आपको थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल गिवन होंगी या टू साइड्स और पेरीमीटर गिवन होगा, सो दैट यू कैन फाइंड आउट द थर्ड साइड. तो डिपेंडिंग ऑन कि हमें तीनों साइड्स गिवन है, तो वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द क्वेश्चन. और अगर आपको जो है दो साइड्स और पेरीमीटर गिवन है, तो फॉर फाइंडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द थर्ड साइड, ताकि आप जो फॉर्मूला है वो यूज कर सको. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 12.1, क्वेश्चन नंबर 1. इन द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गिवन अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग द स्कूल अहेड. एक ट्रैफिक का सिग्नल बोर्ड है जिसपे आपने देखा होगा कि ट्रैफिक के जो बोर्ड होते हैं उनपे डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ पे हैं, जैसे कुछ ना कुछ लिखा होता है जिससे आपको पता लग जाता है कि आगे ये चीज़ है, तो अकॉर्डिंगली हमें अपनी स्पीड रखनी है. तो स्कूल अहेड जो है उस पर लिखा हुआ है ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड पे, दिस इज इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए. फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हिरोन्स फॉर्मूला. इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, वॉट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड. अब इसका पेरीमीटर हमें गिवन है 180 सेंटीमीटर, साइड हमें गिवन है ए, एंड वी आर टू फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड. अब इसका जो है हमने एरिया फाइंड आउट करना है. सो रफ फिगर वी विल मेक इक्विलेटरल ट्राइंगल विद ऑल साइड्स एज ए. सो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर गिवन है, तो यू विल राइट डाउन सेंटीमीटर. पेरीमीटर में आपको यूनिट पता लग जाएगा दैट दिस इज सेंटीमीटर. उसके बाद पेरीमीटर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू फाइंड इट्स सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर जब आप इसका निकालेंगे, वी आर हैविंग द सेमी पेरीमीटर. साइड हमें ए गिवन है, तो दिस इज गिवन बाय ए प्लस ए बाय टू, दैट इज थ्री ए बाय टू.
आप देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड. सिग्नल बोर्ड का जो हमें साइड गिवन है वो ए है. तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हम लेते हैं तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय टू. तो दैट इज ए प्लस ए बाय टू, दैट इज थ्री ए बाय टू. उसके बाद वो कह रहे हैं कि इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड. तो हमने सबसे पहले क्या करना है, एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग ए लेके चलना है. पहले हम इसका सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालेंगे, फिर हम लेके चलेंगे कि अगर पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो व्हाट विल बी द एरिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड विद साइड ए. नाउ दिस इज एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. ये मैंने हीरोन्स फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. दैट इज इक्वल टू यहाँ पे दिस इज योर एस. तो एस इज थ्री ए बाई टू इंटू थ्री ए बाई टू माइनस ए फर्स्ट साइड, थ्री ए बाई टू माइनस ए सेकेंड साइड, थ्री ए बाई टू माइनस ए थर्ड साइड अंडर द रूट. थ्री ए बाई टू इंटू थ्री ए बाई टू माइनस ए, थ्री ए बाई टू माइनस ए, थ्री ए बाई टू माइनस ए. नाउ सिंप्लीफाई कर लोगे आप इसको, दिस इज इक्वल टू रूट थ्री ए बाई टू. अब ये जब आप माइनस करोगे तो दिस इज इक्वल टू ए बाई टू, दिस इज अगेन ए बाई टू, दिस इज अगेन ए बाई टू. तो इंटू ए बाई टू इंटू ए बाई टू इंटू ए बाई टू. अब इसको जब आप ले लोगे दिस विल बी थ्री ए टू द पावर फोर अपॉन 16 अंडर द रूट. थ्री का रूट इज रूट थ्री, ए टू द पावर फोर रूट इज ए स्क्वायर, 16 रूट इज फोर. सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, आपका ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो आगे के क्वेश्चंस में इफ देयर विल बी क्वेश्चन लाइक दिस कि रूट थ्री अपॉन फोर ए स्क्वायर. सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर. आगे आप यहाँ पे स्क्वायर यूनिट वर्ड ले लो क्योंकि 180 सेंटीमीटर हमें बाद में दिया हुआ है. तो इसका जो एरिया आएगा दैट विल बी, क्योंकि एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दिस विल बी स्क्वायर यूनिट्स, रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स. एरिया जो है वो स्क्वायर यूनिट में आता है आपका. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी आर टू फाइंड द एरिया इफ वी आर गिवन द पेरीमीटर एज 180 सेंटीमीटर. तो हम क्या करेंगे, एरिया के लिए हम ये वाला जो है यूज करेंगे. ए चाहिए हमें, यानी कि लेंथ ऑफ साइड चाहिए. पेरीमीटर मुझे गिवन है तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, ए आ जाएगा आपके पास. उसके बाद यू कैन फाइंड आउट एरिया. अब जो है हमें निकालना है साइड ऑफ द सिग्नल बोर्ड. उसके बाद यहाँ आगे कर रही हूँ मैं साइड ऑफ सिग्नल बोर्ड that is equal to a plus 3a by 2 perimeter divided by 180 perimeter given hai, that is divided by 3. So this is 60 centimeter. You know that area perimeter ka kya formula hota hai, first side plus second side plus third side, yani ki perimeter is equal to thrice of a. तो ए की वैल्यू निकालनी है, साइड आपने निकालनी है, तो पेरीमीटर डिवाइडेड बाय थ्री. तो साइड ऑफ द सिग्नल बोर्ड इज 180, पेरीमीटर था डिवाइडेड बाय थ्री, दैट इज 60 सेंटीमीटर. सो अब हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है. तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए व्हाट वी विल डू, यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे. एरिया इज इक्वल टू रूट थ्री बाय फोर इंटू 60 स्क्वायर, that is equal to 900 root 3 centimeter square. क्योंकि यूनिट आपको अब सेंटीमीटर्स में गिवन थी. इसके बाद यहाँ तक करने के बाद आपने ये वाला पार्ट करना है और इसके बाद आपने ये वाला पार्ट करना है, या यहाँ से मैं इधर ही लिख देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. साइड आ गई हमारे पास, एरिया हमने लिखना है. अब एरिया इज इक्वल टू
रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सो ए की वैल्यू इज 60, सो दिस इज रूट थ्री बाय फोर इंटू 3600, सो दैट इज 900 रूट थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर, रूट थ्री बाय फोर इंटू 3600, सो दैट इज 900 इंटू रूट थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. सिंपली सेमी पैरीमीटर निकाला हमने पहले, फिर एरिया निकाला यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया आ गया हमारे पास. अब उसके बाद उसने कहा कि अगर पैरीमीटर आपका इसी ट्राइंगल के लिए 180 होता तो हमने साइड निकाल ली, साइड वाली वैल्यू हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमने वहाँ कैलकुलेट किया था उसमें पुट की और हमारे पास आंसर आ गया. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू में वी आर गिवन द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट. अब आपको देखो ये गिवन है बुक में, फिगर इज ऑन पेज नंबर 202. अब इस फिगर के अकॉर्डिंगली अगर आप चलो तो ये फ्लाईओवर आपको गिवन है और यहाँ पे दिस इज द ट्राइंगल गिवन टू यू, ये आपको ये ट्राइंगल गिवन है और इसी तरीके से इधर ये ट्राइंगल बन रही है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहे हैं, ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स. द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर. एडवर्टाइजमेंट्स यील्ड एन अर्निंग ऑफ रुपीज 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months. हाउ मच रेंट डिड इट पे. 1 meter square के लिए जो cost है that is rupees 5000, तो 3 months के लिए अगर वो hire करेगा तो जो है उसको कितना जो है rent देना पड़ेगा. It means for finding out the cost we are to first find out the area of the wall, क्योंकि per meter square की हमें per year के हिसाब से cost given है and we are to find it for the 3 months. सो डायमेंशंस हमें गिवन है, तो वॉल जब हमने रिप्रेजेंट करनी है सो वी विल रिप्रेजेंट इट एज अ ट्राइंगल. सो साइड ऑफ द वॉल्स आर गिवन टू बी 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर. तो ये मैंने ले ली, एक साइड ले लो 20, एक 120 एंड द थर्ड वन इज 122 मीटर. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर टू. अब हमने निकालना है सबसे पहले एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर वॉल. एरिया ऑफ ट्राइंगुलर वॉल निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू फाइंड द सेमी पेरीमीटर. सो लेट फर्स्ट साइड A that is given to be 120, second side is B that is 122 meter and third side is C that is 20 meter. So semi perimeter is given by A plus B plus C by 2, that is 120 plus 122 plus 20 upon 2. सो सेमी पेरीमीटर जो है हमारे पास आ गया 120, दिस इज 22, ये 22 गिवन है नॉट 20, सो दिस इज 132 मीटर. 120 प्लस 122 प्लस 22, सो दैट इज गिवन टू बी 132 मीटर. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी आर टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर वॉल. सो एरिया ऑफ ट्राइंगुलर वॉल दिस इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. फॉर्मूला हर जगह पे आपका यही यूज होना है, तो यू आर टू लर्न दिस फॉर्मूला. अब ए बी सी रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड साइड को, सो वी आर टू यूज put the values. S is 132, then 132 minus 120,
132 minus 122, 132 minus 22. So this is equal to 132 into 12 into 10 into 110. फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. 132 को मैंने लिख लिया 12 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 10 और इसको लिख लिया मैंने 11 इंटू 10. आप चाहो तो दूसरी तरीके से प्राइम फैक्टर्स बना के भी कर सकते हो. अब देखो 12 टू टाइम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, 11 भी टू टाइम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, 10 भी टू टाइम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो जब ये रूट से बाहर आएंगे तो दीज विल बी रिटन एज सिंगल टाइम. अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 132 into 10, 12 into 110, 1320 into 1320, so that is 1320 without root. जब आप इसको लिखोगे तो दैट विल बी 1320. दैट इज योर विश कि आप इसको कैसे कैलकुलेट करना चाहते हो. कैलकुलेशन यू कैन डू अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ. अब जो एरिया ऑफ ट्राइंगुलर वॉल आया वो आ गया 1320 मीटर स्क्वेयर, कि इतना एरिया जो है उस पे एडवर्टाइजमेंट्स लगनी है और उसकी कॉस्ट जो है वो आपको निकालनी है. अब हमें वन ईयर की जो कॉस्ट गिवन है दैट इज गिवन टू बी 5000. तो कॉस्ट ऑफ वन मीटर स्क्वेयर फॉर वन ईयर यानी कि 12 मंथ्स दैट इज गिवन टू बी 5000. हमें निकालना है रेंट फॉर द थ्री मंथ्स. थ्री मंथ्स के लिए हमने रेंट निकालना है. सो रेंट ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर थ्री मंथ्स. थ्री मंथ्स यानी कि 3/12 ईयर्स. अब वन ईयर के लिए जो आपको कॉस्ट गिवन है वन मीटर स्क्वायर की, या वन ईयर या 12 मंथ्स, दैट इज योर विश आप क्या लिखना चाहते हो, दैट इज रुपीज 5000. तो आपके पास टोटल बन रहा है 1320 मीटर स्क्वायर. सो 1320 इंटू 5000, आप इसको थ्री मंथ्स के लिए निकाल रहे हो तो इंटू 3/12, तीनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया एंड यू विल गेट योर आंसर. So this is your answer. 16,50,000 is the total rent that a company has to pay for 3 months. अगर इस तरीके से डायरेक्ट में आपको कंफ्यूजन लग रही है तो आप इसको सीधा ऐसे कर लेना कि रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज 5000, सो रेंट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर इज 1320 इंटू 5000. पहले वो निकाल लोगे फिर आप नेक्स्ट वाले में लिख लेना कि रेंट फॉर वन ईयर या 12 मंथ्स इज 5000 इंटू 1320. तो रेंट फॉर 3 मंथ्स विल बी 5000 इंटू 1320 अपॉन, पहले वन का निकाल लो और फिर थ्री का निकाल लो. दो बार यूनिटरी मेथड यूज कर लोगे तो आपका ये आ जाएगा. अगर डायरेक्ट आपको नहीं समझ आ रहा तो यू कैन डू इन दिस वे आल्सो. सो आई होप दिस वन इज क्लियर. या ये कर लो या ऐसे कर लो. अगर डायरेक्ट समझ आ गया तो आप डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई कर देना. अदरवाइज आप पहले जो है वन कॉस्ट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर निकाल लेना एंड देन आप उसको मंथ्स के साथ कन्वर्ट कर लेना. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में वी आर गिवन देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क. वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन द कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन. ग्रीन एंड क्लीन. इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर,
find the area painted in color. So this one is your homework part. Simply triangle ki three sides aapko given hai. You are to find the area of the area that is to be painted in color. तो आप पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लोगे, फिर एरिया ऑफ वॉल के लिए एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी आप यू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ व्हिच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर. अब इसमें हमें टू साइड्स गिवन है और साथ में पेरीमीटर गिवन है एंड वी आर टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. तो जब हमें पेरीमीटर और टू साइड्स गिवन है तो पेरीमीटर में से अगर हम सम ऑफ टू साइड्स माइनस कर दें तो वी विल गेट द थर्ड साइड. तो सेम हम यहाँ पे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू फाइंड द थर्ड साइड एंड देन वी विल फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. So the sides given to us are 18 centimeter, 10 centimeter. एक को किसी 18 ले लो, एक को 10 ले लो. Let this be C. और perimeter हमें given है 42 centimeter. तो first side A is 18 centimeter. This is your question number 4. 3 is your homework part. This is given to be 18 centimeter. Second side मैंने ले ली 10 centimeter. Third I have to calculate and the perimeter is given to be equal to 40. 2 सेंटीमीटर. तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 42 इज इक्वल टू ए इज 18, बी इज 10, सी मुझे निकालना है अपॉन 2. सेमी पेरीमीटर अपॉन 2 नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि पेरीमीटर गिवन है. तो 42 इज इक्वल टू 18 प्लस 10 प्लस सी. यहां से आप सी कैलकुलेट कर लोगे, दिस इज 42 माइनस 28 इसका यूनिट भी आपका सेंटीमीटर आ जाएगा. नाउ यू आर टू फाइंड द सेमी पेरीमीटर एंड देन यू आर टू फाइंड द एरिया. फॉर द सेमी पेरीमीटर आई विल डायरेक्टली टेक perimeter divided by 2, perimeter 42 given hai, so this is 21 centimeter. Now I have to find out the area of the aapko yahan pe mentioned hai, this is a triangle, so area of triangle is equal to s into s minus a, s minus b, s minus c. Now put the values and get your answer. S is 21 minus 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस सी हमने कैलकुलेट किया 14. सो दिस इज इक्वल टू 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7. सो दिस विल बी 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वेयर. ये 3 इंटू 7 विल ऑल्सो गिव यू 21. सो रूट से बाहर आके 21 का स्क्वायर सिंगल टाइम लिखा जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो द एरिया ऑफ द ट्रायंगल यू वर टू फाइंड आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 5. अब यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट जो है साइड्स ना देके उन्होंने हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दे हैव गिवन अस द रेशियो ऑफ द साइड्स एज वेल एज द पेरीमीटर. तो आप इनका एक कॉमन फैक्टर ले लेंगे. पेरीमीटर आपको गिवन है तो सम ऑफ द साइड्स आप इट मींस आपको गिवन है तो वहां से आपका जो कॉमन फैक्टर आपने लिया उसकी वैल्यू आ जाएगी एंड देन जैसे आप प्रोसीड करते हो इन द सेम वे यू विल प्रोसीड. सो हियर वी आर गिवन द साइड्स इन द रेशियो 12:17:15. Ratio of sides. ratio 25. And perimeter is 540. So let the common factor is x.
so the sides will be 12x, 17x and 25x. So perimeter हमें 540 given है, यानी कि 12x plus 17x plus 25x is equal to 540. 12 plus 17 is 29, 29 plus 25 is 54. So 54x is equal to 540. x की value आ गई मेरे पास 10. x की value 10 आप यहाँ पे put करोगे, तो you will get all the sides. So this is 12 into 10, 17 into 10, 25 into 10. So 120, 170 and 250 centimeters. सभी आपकी जो sides आएंगी वो centimeter में आएंगी. Now we are given the perimeter as 540, तो हम semi perimeter निकाल लेंगे and after that हम इसको simplify करेंगे. So semi-perimeter is equal to perimeter by 2, that is 540 by 2, yani ki 270 centimeters. So area is equal to S, S minus A, S minus B, S minus C. A hai aapke paas 120, B is 170 and C is 250. So this is 270, 270 minus first side hai meri 120, second side hai meri 170 and the third side is 250. Ab inki values calculate kar lo, you will get your answer. So this is 270 into 150 into 100 into 20. Isko simplify kar lena and you will get your answer. Your answer jo hai, that will be 9000 centimeters square. 9000 centimeters square. After this, moving on to question number 6. Question number 6 jo hai, that is similar to question number 4. The only difference is ki yahan pe aapko jo triangle hai, that is given to be isosceles and equal sides are given to be 12 centimeters. So ye do sides hum le lenge question number 6 ke liye, 12 centimeters each. Aur perimeter hume given hai 30. So aap third side nikal sakte ho. And then you can find out the area of the triangle. So this question is again your homework part. Question number 6. You are to do your question number 3, 4 and 6 in your homework part. Question number 3, 4 and 6. Sixth question mein aapko ye do sides 12 given hai. Perimeter 30 given hai, so you are to find the third side. Once you have got all the three sides of the triangle, you can easily calculate the area of the triangle. So this was your question number 6 of exercise 12.1. Now next we are having application of Heron's formula in finding the area of quadrilateral. So jo aapke quadrilateral wala part hai, that one is deleted. So isme jo hai, waise main ek question aapko karwa deti hu. कि आपको वैसे नॉलेज होनी चाहिए कि इफ यू गेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस तो हाउ यू आर टू सॉल्व. बट फॉर दिस ईयर दिस हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द सीबीएसई साइड. हमें गिवन है पार्क इज इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी विद एंगल सी 90 डिग्री. ये एंगल सी हो गया, बाकी ए बी सी डी आप किसी भी तरीके से ले सकते हो. सो ये हमें गिवन है. देन ए बी हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर, बी सी गिवन है 12. This is meter, not centimeter. BC given hai 12 meter, CD is 5 meter and AD is 8 meter. So we are to find how much area does it occupy. Ab yahan dhyan do ki mujhe ye jo hai right triangle given.
ये राइट ट्राइंगल गिवन है, तो अगर मैं बी डी को जो है मिला देती हूँ, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आई कैन फाइंड आउट बी डी. पाइथागोरस थ्योरम यूज करके मैं बी डी निकाल लूंगी, दैट विल बी 13 meters. अब ये 13 meters आ गया, एक ट्राइंगल मेरा ये बन रहा है, एक ट्राइंगल मेरा ये बन रहा है. तो अगर मैं इसको छोड़ दूं, ट्राइंगल वन में आई एम हैविंग ऑल द थ्री साइड्स, तो यू विल यूज द हीरोन्स फॉर्मूला एंड फाइंड आउट इट्स एरिया. ट्राइंगल वन को छोड़ दूं मैं, तो ट्राइंगल टू में अगेन आई एम हैविंग ऑल द साइड्स. यहाँ पे भी आप एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो. दोनों को आप सम अप कर दोगे तो यू विल गेट द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. तो क्वाड्रिलेटरल के जब भी आपको एरियाज फाइंड आउट करने हैं, आप उसको देख लो कि वो किस तरीके से आपका ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हो, तो हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके यू कैन फाइंड इट आउट. सो ये आपका जो टॉपिक है, वैसे अदरवाइज एग्जाम में आपका नहीं आना है, बट यू शुड नो कि इसको आपने कैसे कैलकुलेट करना है. सो विद दिस एज द टाइम इज ओवर, सो आई एम एंडिंग द मीटिंग. इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क.